प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसान संगठनों ने लिखा पत्र, किसानों ने की फिर वार्ता की पहल। किसान नेताओं ने आंदोलनकारियों से महामारी के चलते सीमाओं पर धरना स्थगित करने की अपील की। एयर इंडिया के सर्वर पर साइबर अटैक, यात्रियों की दशकों पुरानी निजी जानकारियां हुई चोरी। एयर इंडिया ने जांच की शुरू, अपने पासवर्ड को किया रीसेट। देश में 19 करोड़ 33 लाख 72 हजार से अधिक लोगों को लगी कोरोना टीके की खुराक। पिछले 24 घंटे में 14 लाख 58 हजार 895 लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर में बढ़ोतरी जारी, 87.76% तक पहुंचा रिकवरी रेट। पिछले 24 घंटों में 357,600 से अधिक मरीजों ने कोरोना संक्रमण को दी मात। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ब्लैक फंगस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को इसकी रोकथाम व तैनाती की समीक्षा करने को कहा। स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों व रोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संक्रमण के फैलाव पर अंकुश लगाने के एहतियाती उपायों पर दिया बल। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान की आहट, भारतीय तटरक्षक बल ने देश के तटवर्तीय राज्यों से अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा। उड़ीसा के तटवर्तीय जिले हाई अलर्ट पर। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद को भंग करते हुए 12 और 19 नवंबर को मध्यवर्ती चुनाव का किया ऐलान। शेर बहादुर देवा और केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री पद के उनके दावे को किया खारिज। इसराइल फिलिस्तीन पर अमेरिका ने दो राष्ट्र सिद्धांत के हल की वकालत की। संघर्ष विराम का किया स्वागत, इसराइल और फिलिस्तीन के बेहतर भविष्य के उपायों पर की चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल को समर्थन जारी रखने की बात कही।